हेलो दोस्तों, जीवी टेलर्स के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो को देखकर आप अपने घर पर ही जो सीजन चल रहा है अभी सोयाबीन का, उसके लिए आप मोजे को सिस्टमेटिक एक अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसको सीखने आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में सिस्टमेटिक किस प्रकार से बनाते हैं वो एकदम पूरा बताया है। कहीं भी एकदम सिस्टमेटिक, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। एकदम सिस्टमेटिक आपके लिए मैंने वीडियो एकदम रेडी कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। ना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने को जो लंबाई रहती है उसको 11 इंच लेना है। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो चौड़ाई रहती है उसको समथिंग 8-8.5 अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। 9 भी होगी तो चलेगी। इसलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अपने को जो अपना जिस प्रकार का हाथ है उसको इस प्रकार से रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर अपने लिए बना रहे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और मन से भी कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से अपने को मार्क करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपने को सबसे पहले अपने हाथ का मार्क कर लेना है जिस हाथ का अपने को बनाना है। ये रिवर्स सीवर दोनों तरफ बनेगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये जो मार्कर अपन लगा रहे हैं इस प्रकार से अपने को सही कर लेना है। इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है। और इस प्रकार से ये जो अपन नाप रहे हैं ये 4 इंच है अभी, इसको अब हमेशा अपने को 5 इंच रखना है। तो थोड़ा बहुत इधर से नीचे कर देते हैं अपन और उधर से भी कुछ उधर कर देते हैं। इस प्रकार से अपना ये देख लीजिए, ये 5 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 से ऊपर ही होगा तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा हाथ आ जाए दिक्कत आती है। इस प्रकार से इसको डार्क कर लेते हैं। जो अपना जहाँ पे अपने को सिलाई को लगाना है, फिक्स करना है, उसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप सिस्टमेटिक लगाएं, आपका एकदम सिस्टमेटिक जो मोजे बनेगा सिस्टमेटिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मार्क एकदम सिस्टमेटिक हो चुका है। उसके बाद आगे करते हैं। ये जो अपना जो बांधने के लिए रहती है वो निकले नहीं, इसका एंड से अपने को 1 इंच पर एक मार्क करना है। उसके बाद अपने को यहाँ पे मार्क अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद 1 इंच का फिर से अपने को एक मार्क करना है। ये मार्क जो इन दोनों मार्क के जो बीच में रहती है, इसमें अपने को जो अपनी डोरी रहती है बांधने के लिए उसको लगाना है। तो इसमें अपने को सिलाई स्टिचिंग नहीं करनी है और ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक अपने को सिलाई करनी है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपने को नए ट्रिक एकदम सिस्टमेटिक थोड़ा बताएंगे अपन वीडियो को। अब स्टिचिंग करना आपको अच्छी तरह से बताएंगे। देख लीजिए, पूरे पर अपने स्टिचिंग करना है। जो अपना मार्क कर रखे हैं इनमें अपने को सिलाई को नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, अपन स्टिचिंग कर लेते हैं, रिवर्स करके सिलाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे रिवर्स करना है अपने को ताकि सिलाई निकले नहीं। यहाँ पे अपने को छोड़ देना है इस प्रकार से, और यहाँ से भी रिवर्स करके अपने को सिलाई को स्टार्ट कर लेना है। जो अपना मार्क का कर रखा है अपन ने, इस पर एकदम सिस्टमेटिक राउंड के हिसाब से अपने को सिलाई को लगा लेना है। बिल्कुल भी तिरछा विरछा नहीं घुमाए, एकदम जिस प्रकार से अपने मार्क का लगाया है इसी प्रकार से आप स्टिचिंग लगाए, एकदम सिस्टमेटिक आपका मुझे वगैरह बनेगा। इस प्रकार से आप स्टिचिंग करें तो आपका एकदम सिस्टमेटिक बनेगा मोजा। आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में आपको एंड तक बताएंगे। जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उस एक्स्ट्रा कपड़ा को कैंची से काट देना है। बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, अपने मार्जिन के हिसाब से सिर्फ कपड़ा बचाना है। एकदम कुनोर से एकदम सिलाई ना कटे उसके हिसाब से अपने को मार्क लगाना है। इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको पूरा पूरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको काट देना है। ठीक है दोस्तों, राउंड में ही काटे, एकदम से कम ज़्यादा ना काटे। जो अपना धागा यहाँ पे रह गया था उसे भी काट देना है, कहीं भी धागे एक्स्ट्रा नहीं दिखने चाहिए किसी प्रकार से। उसके बाद इनके बीच में अपने को हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि अपने जब सीधा करें इसको तो एकदम सिस्टमेटिक ये सीधा हो सके, बाहर एकदम सिस्टमेटिक कॉर्नर वगैरह निकल सके। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसमें इसको जो अपनी सिलाई है अपने को इसको क्या फोल्डिंग है ये, इसको क्या चौड़ा कर लेना अपने को इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इधर कोने पर दोनों तरफ को अपने को सिलाई को लगा लेना है इस प्रकार से। ये देख ले दोस्तों, दोनों को करके उसके बाद रिवर्स करके अपने को
इसे को सिलाई को उतार लेना है। जिस प्रकार देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से अपने को सिलाई को अच्छी तरह से लगा लेना है, फिक्स करना है, और इसके यहाँ पे फोल्डिंग इस प्रकार से अपने को स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी प्रकार की समस्या आए कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी प्रेस करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अपने को ढीला वगैरह पड़ता है तो अपने को इसके लिए एक डोरी बनाना है। इस प्रकार से डोरी को एकदम बारीकी बनाए, ज़्यादा मोटी ना बनाए, मोटी बनाएंगे वो सिस्टमेटिक बनती नहीं है। आप घर पर ही इसे आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी प्रेस करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे अपने को एकदम ये अपनी डोरी एकदम रेडी हो चुकी है, ये देखिए फाइनली अपनी डोरी रेडी हो चुकी है। उसके बाद अपने क्या करना है, इसको जो अपना मोजा बचा था उसको अपने को फोल्ड करना है अंदर की साइड, ठीक है दोस्तों। जो अपन ने एक इंच को नीचे बचाया था उसको अंदर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद अपने को स्टिचिंग इसमें एक बार फिर फोल्ड करके स्टिचिंग अच्छी तरह से बारीकी लगा लेना है, कुछ इस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों। एक बार फोल्ड करा अपन ने, उसके बाद लगातार अपने स्टिचिंग को लगाए रखना है, एकदम सिस्टमेटिक लगाए, सल वगैरह ना आए, ठीक है दोस्तों। आप एकदम नीचे के कपड़े को खींच कर रखे, ऊपर को थोड़ा सा फ्री रखें ताकि अपना सल वगैरह ना आ सके। एकदम कंटिन्यू आप इसी प्रकार से अपना वर्क करें, सिस्टमेटिक आपका एकदम सिस्टमेटिक बनेगा। सोयाबीन की सीज़न में आपका यह बहुत काम आएगा, पैसा आपका बहुत बचाएगा, आप इसको बना बना के सेल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखा जाए तो एक बिजनेस के रूप में भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपने को जो अपने नाड़ी बनाई है उसको मोजे के अंदर फिक्स कर देना है, कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों। ये आप लगभग लगभग अपनी डोरी फिक्स कर दी है अपन ने, ये देखिए दोस्तों। फाइनली अपनी ये मोजा लगभग रेडी हो चुका है, ये देख लीजिए एकदम कम्प्लीटली हो चुका है। अपन अब इसे पहन भी सकते हैं चाहे तो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को भी प्रेस कर ले। किसी प्रकार की अगर समस्या आए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।